ये है दिल्ली दर्पण। तो आने वाली जो मेरी पूरी टीम है स्टूडेंट यूनियन की, मैं हेमंत खोखर सत्यदेव महाविद्यालय का अध्यक्ष आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हम दिल से 1922 छात्रों के लिए कार्य करेंगे। ये हमारी जीत और हमारे टीम की जीत ये दर्शाती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर छात्र राजनीति के अंदर धन बल और बाहुबल को कहीं पर जगह नहीं दी जाएगी। बिल्कुल एबीवीपी और एनएसयूआई जो है उसमें एबीवीपी कहीं मुकाबला नहीं कर पा रही, क्योंकि पिछले चार सालों के बाद एक कोई पूरा मेमोरेंडम आया था कि कितना खर्चा हुआ है, उसमें 26 लाख रुपए की एबीवीपी ने चाय पी ली थी। तो इस प्रकार जो एबीवीपी काम कर रही है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, उसको छात्र नकार रहे हैं कि ये जो राजनीति कर रही है इसको नकारना है, सिरे से नकारना है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का बिगुल बजा हुआ था काफ़ी समय से, अब चुनाव हो गए हैं, चुनाव के बाद अब रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, कॉलेजों के रुझान और रिजल्ट आ चुके हैं। सत्यवती कॉलेज मॉर्निंग का रिजल्ट आया है, अभी हमारे साथ जो चुनाव लड़ रहे थे पदाधिकारी, पूरा का पूरा पैनल क्लीन स्वीप विजयी हुआ है। और कल क्या होने वाला है डूसू में, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता जी हैं, खुद छात्र नेता रहे थे और एनएसयूआई के उस ज़माने में माने कि बहुत प्रचंड बहुमत एनएसयूआई में पहली बार जब जीती थी तब हरिशंकर जी प्रेसिडेंट बने थे। इनसे हम सबसे बात, इस पर भी आपने देखा होगा करीब से क्या मुद्दे रहे एनएसयूआई, कंपेयर करें हम तो एबीवीपी में, इनमें क्या लग रहा है आपको? देखिए, विश्वविद्यालय के जो अपने मुद्दे हैं वो तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारी समस्याएँ हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर हॉस्टल की है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में खाली दिल्ली के ही छात्र नहीं पढ़ते हैं, देश के हर कोने से छात्र पढ़ने यहाँ पर आता है। और मैं समझता हूँ कि ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहे हैं जबकि 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है वो भी आने वाला है, और पिछले 8-10 साल से भाजपा की सरकार इस देश के अंदर है, उसके चलते हुए युवाओं के साथ में जो भेदभाव हुआ है, युवाओं को इस सरकार से निराशा हुई है, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि युवाओं का जो मत है वो कहीं ना कहीं इस सरकार की परफॉर्मेंस ने उसको भी प्रभावित किया है। इस सरकार की परफॉर्मेंस और बेरुखी छात्रों के युवाओं के खिलाफ रही है, उसको लगता है कि छात्र इस बात का भी संज्ञान लेंगे और दूसरों के चुनाव में इसका जरूर असर पड़ेगा। आपके क्षेत्र में ही है सत्यवती कॉलेज और पूरा क्लीन स्वीप किया है, ऐसी तस्वीर देख रहे हैं आप कल यहाँ? बहुत समय के बाद, वैसे तो 4 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं ये, लेकिन ऐसी तस्वीर जहां पर पूरा का पूरा पैनल एक कॉलेज के अंदर एक ही दल का आया हुआ हो, ये कम बहुत देखने को मिलता है। सीटें 2, 4, 1, 2, 3 करके ऐसे आ जाती हैं। दूसरों के चुनाव में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि चारों सीटों पर कांग्रेस की विजय हो। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेज भी होगा इन चुनाव में कि बिल्कुल युवाओं का मूड क्या होने जा रहा है। दिल्ली देश की धड़कन है। मैं खुद 45 साल पहले 1978 के अंदर छात्र संघ का चुनाव बना था, वो भी पहली बार कांग्रेस का प्रतिनिधि था, उसकी उससे पहले विद्यार्थी परिषद जीतती थी, और मेरे जीतने के बाद लगातार कई सालों तक लगातार एनएसयूआई जीतती रही, कांग्रेस का परचम लहराता रहा, ये भी हमने देखा है। ये सवाल मैंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं से पूछा कि जो चुनाव आएंगे डूसू के, क्या इसको युवाओं का मूड माना जाए 2024 के चुनाव में, तो कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे थे। नहीं दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। वो मान रहे हैं कि आप मान रहे हैं कि मूड होगा? बिल्कुल होगा, मैं बिल्कुल मानता हूँ। युवाओं का जो रुझान है, युवाओं का मत देने का जो है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इस बात का होगा कि देश के जो हालात इस समय हैं उसका असर पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ पंकज शर्मा हैं, खुद छात्र नेता रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं, हर साल मैंने खुद देखा है जब जब चुनाव आते हैं दिन रात ये एक कर देते हैं। आपने तो कैंपेन दोनों पक्षों का देखा, छात्र नहीं है लेकिन छात्रों के बीच रहते हैं जी, क्या रुझान कल देखने को मिलने वाला है? मुझे लग रहा है सेम रुझान ही रिपीट होगा। अब की बार भी एनएसयूआई, क्योंकि अभी मॉर्निंग का रिजल्ट आया है, इवनिंग का रिजल्ट शाम को आएगा, तो एनएसयूआई ने क्लीन स्वीप किया है। प्रेजिडेंट पोस्ट पर अभी खोखर जी होके गए हैं, वाइस प्रेजिडेंट में कुशल दलाल हमारे वाइस प्रेजिडेंट जीते हैं, सेक्रेटरी पे कुशल जो हमारे हनुमान राम जीते हैं, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ऊपर वाला लड़का यूपी से बिलोंग करता है, पूरा भारत है, मतलब पूरा भारत है। जॉइंट सेक्रेटरी हमारे अनुपोज आ चुके थे, ट्रेजरर हमारा अभिषेक यादव है, 2 CC आ चुके थे, तो पूरा का पूरा पैनल एनएसयूआई का है। और ये अलग अलग राज्यों से लोग हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अलग अलग
दिल्ली के लोकल लड़के भी लड़े थे, यूपी के लड़े हैं, राजस्थान के लड़े हैं और हरियाणा के लड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर जाता है कि देश का युवा इस बीजेपी से बहुत ज़्यादा परेशान है और युवाओं का रुझान जो है वो इस तरफ कांग्रेस की तरफ और फिलहाल कांग्रेस की छात्रिकाई एनएसयूआई की तरफ है। कल क्या उम्मीद है? 4-0 एनएसयूआई। 4-0 जी। तो ये है कुछ छात्र नेता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में है, चुनाव भी लड़ चुके हैं, निगम पार्षद भी लड़ चुके हैं और हर चुनाव में पूरा सक्रिय रहते हैं और इसी सक्रियता के बल पर और जो रुझान है उनके बल पर ये दावा कर रहे हैं कि कल भी जो चुनाव होगा वो एनएसयूआई के नाम होगा और हरिशंकर गुप्ता जी खुद मान रहे हैं कि ये देश का मूड भी होगा, मतदाताओं का, युवा मतदाताओं का मूड भी होगा। तस्वीर क्या होगी कल, हम इसके साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।